कभी आपने सुना है कि जेल में बंद कैदी जेल में रहकर भी अपने घर का खर्च चला सकते हैं? नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं और उससे होने वाली कमाई से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कई कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल में ही काम कर रहे हैं और उससे होने वाली कमाई से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। ऐसे ही कैदी हैं गुड्डू राम, मिलिए गुड्डू राम और सुरेश से। ये दोनों कैदी सालों से जेल में हर हाथ को काम योजना का लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये कारीगरी, फर्नीचर, बेकरी, रंग बिरंगी ये बोतलें, हिमाचली शॉल और ये वुडन वर्क सभी कैदियों ने बनाया हुआ है। कारगार प्रशासन ने बताया कि जेल विभाग का प्रयास रहा है कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के उत्थान के लिए कार्य किए जाएं और इसी उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद लगभग 2500 सजायाफ्ता कैदियों में से 1000 से ज्यादा कैदियों को विभिन्न तरह के उत्पादों को तैयार करने के लिए जोड़ा गया है। मैम, ये जो एग्जीबिशन लगी है मैम, ये 3 दिन की लगी हुई है। पिछले कल से ये लगी हुई है और ये अगले कल तक रहेगी मैम। और इसका मैम मेन मोटिव यही है कि जो हमारे बंदी भाइयों ने जो भी हमारे ये जो सामान तैयार किया होता है, इसको मैम लोगों तक पहुंचाएं कि ये कितना मेहनत करते हैं और लोगों के बीच में मैम इनके लिए अच्छा संदेश जाए कि ये सुधर चुके हैं मैम। जैसे कि अंदर रहने के कारण ये काफ़ी लोग इनमें काफ़ी जो बदलाव आया है मैम, तो यही मैम इसका मोटो है। कैदियों को काम से जोड़ने के बाद काफी बदलाव देखा गया है और अब ये कैदी काफी सकारात्मक और उत्साहित नजर आ रही हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। मैं अंदर ही ये काम सीखा हूँ, 5 साल में जितना टाइम मेरे को अंदर हो रहा है उसके हिसाब से काम सीखा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी हमारे पास हुनर भी है, दूसरा हुनर भी मिल चुका है और हमारी जो परिवार है उनके लिए भी हम कुछ कमा के दे पा रहे हैं। हर चीज अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे बच्चे हैं, उनकी जो शिक्षा है वो भी पूरी हो रही है। मैं उनके को पैसे दे पा रहा हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ से। अब इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 6-7 साल से काम शुरू हुआ है। पहले हमारे डीजी भी आए थे, सुमेश गोयल जी, तो उन्होंने हर हाथ को काम दिया था। जितना भी जो भी कुछ आप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन में जो भी लगा है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है जो ये काम कर रहे हैं। फर्नीचर है, बेकरी है, बाकी खड्डी का है और भी सामान है, तो वो सारे अपने परिवार को पाल रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको अपने केस के लिए पैसा नहीं कर पाता है, वो भी अपने केस के लिए पैसा, वकील को पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है यहाँ से वो। वही प्रदर्शनी में लोगों की तरफ से भी इस कारीगरी को खूब सराहा जा रहा है। तब तो ये देखा एग्जीबिशन है ना, जब अंदर आए तो पहले तो पता नहीं था, फिर आपसे पता करके ना फिर ऐसे पता लगा तो बहुत अच्छा लगा। फिर सबके लिए बहुत क्या बोलते हैं, बेस्ट विशेष है, सब अच्छे ही वो है ना। जैसे आपसे जैसे पता लग गया ना, जैसे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या बोलते हैं, उनको जैसे ऐसे काम भी सीख जाते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, जैसे बाहर आते हैं तो फिर वो कुछ भी पता नहीं, जैसे कैसे क्या बोलते हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई तो अंदर जाके जैसे बाहर आते हैं तो ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं, अब बाहर जाके भी क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब ऐसे नहीं है, जैसे बाहर जाएंगे तो जैसे प्राउडली जा सकते हैं। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को समाज से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई कोशिश हर हाथ को काम की पहल एक मिसाल बनी हुई है। प्रदेश के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के अंदर उनकी कला को तराश कर उसे उजागर करने के लिए हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग लगातार काम कर रहा है, जो कि काबिले तारीफ कदम है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा की रिपोर्ट।